तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है अपने मित्र इजराइल से। और आप सभी जैसा कि जानते हो कि LAC के ऊपर चीन की जो गुस्ताखियां हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं, और इन पर नजर रखने के लिए भारतीय सेना को लगभग 67 की संख्या में निगरानी रखने वाले ड्रोनों की आवश्यकता थी। परंतु इन ड्रोनों के लिए एक कंडीशन थी, ये कम से कम -50 डिग्री सेल्सियस के तापमान से लेकर +55 डिग्री तक के सेल्सियस के तापमान में आसानी से काम कर सके और दुश्मन देश की किसी भी हरकत का HD वीडियो फुटेज भारतीय वायुसेना को प्रदान कर सके। और दोस्तों, इन्हीं ड्रोनों के लिए भारत गया अपने मित्र इजराइल के पास। और आप सभी एक बात को जानते हो कि हर इजराइल का व्यक्ति भारत से कितना प्यार करता है, और इजराइल में भली सरकार चेंज हो जाए परंतु इजराइल का जो भारत के प्रति नजरिया और जो हमारी मित्रता है वो कभी नहीं बदलती। और आज यही हुआ है, और जो 67 ड्रोन भारतीय सेना के लिए हमें चाहिए थे वो इजराइल की तरफ से आ रहे हैं। और इस टेंडर के तहत भारतीय सेना के लिए इजराइल के जो ड्रोन हैं वो टॉप कंटेंडर बन चुके हैं। और साथ में मित्र इजराइल ने भारत को इन ड्रोनों की तकनीक देने के लिए भी मंजूरी दे दी है। और अब जल्दी से जल्दी भारत की बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए 67 की संख्या में निगरानी ड्रोनों का उपयोग किया जाएगा। वैसे तो इन ड्रोनों का जो नाम है वो तो अभी ऑफिशियली पता नहीं चला है, जब यह ड्रोन भारत आएगा तब इसकी जानकारी मिल जाएगी। पर भारतीय सेना के कुछ सूत्रों के हिसाब से माने तो इन ड्रोनों का जो उड़ने का अधिकतम समय है वो 1 घंटे का हो सकता है, यानी यह ड्रोन 1 घंटे तक हवा में ठहरकर दुश्मन देश की जासूसी कर सकता है। इसके अलावा यह ड्रोन -50 डिग्री सेल्सियस से +55 डिग्री सेल्सियस तक के वातावरण में आसानी से पहाड़ों की ऊंचाइयों पर और कड़ी से कड़ी धूप के अंदर हर प्रकार की निगरानी कार्रवाई करने में सक्षम होगा, जिससे भारत के लद्दाख से लेकर राजस्थान तक चीन और पाकिस्तान की हर प्रकार की निगरानी रखने के लिए भारतीय सेना की यह मदद करेंगे। और इस प्रकार से भारत के अंदर इन ड्रोनों को बनाकर तैयार किया जाएगा और भारतीय सेना को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यह ड्रोन दिए जाएंगे। फिलहाल में भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए भारत और इजराइल की कंपनियां मिलकर एक बेहद ही एडवांस और लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन को भी बना रही हैं, जो कि दुश्मन देशों के खिलाफ लड़ाई में भारत के काम आएगा। खैर दोस्तों, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है और मित्र इजराइल द्वारा किए गए इस काम को लेकर आप सभी कितने संतुष्ट और कितने खुश हो, कमेंट बॉक्स के अंदर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।